आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रदेश की चर्चित विधानसभाओं में से एक श्रीनगर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रत्याशी एक दूसरे को आड़े हाथों ले रहे हैं, जहां बीजेपी से प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था। इसके अलावा कांग्रेस ने बीते 5 सालों में न तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई, न ही कहीं दिखाई दिए, और अब चुनाव के समय में कांग्रेस शराब बांटने का काम कर रही है। तो वही कांग्रेस से प्रत्याशी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने डॉक्टर धन सिंह रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वह इस तरह की बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि पहले भाजपा में पन्ना प्रमुख बनाए जाते थे, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी पौगा प्रमुख बना रही है। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। पूरे देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है, देश में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया है, और जुमलों के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं, और मैं कह सकता हूं कि अब कांग्रेस जो है दारू पिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास करते रहे। हर यहां पे हरा सिंह रावत, मुझे लगता है कि उनको हार का डर सता रहा है, और मैंने तो ये सुना कि भाजपा में पहले पन्ना प्रमुख बना करते थे, और इस बार के चुनाव में वो पौवा प्रमुख बना रहे हैं, मैंने तो ये सुना। तो धन सिंह रावत जी, शायद उनको सपने में भी रात को अपनी तस्वीर और अपने कर्म नजर आते हैं कि जो आरोप वो लगा रहे हैं। मैंने तो ये सुना कि 2 महीने पहले से उन्होंने सब तैयारियां कर रखी हैं, तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उनको इस बात के लिए प्रमाण देने होंगे, और धन सिंह रावत जी की हार सुनिश्चित है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।